नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अनशन का कार्यक्रम अगले 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार या ईपीएफओ की तरफ से बातचीत के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इस आंदोलन को सीरियसली नहीं ले रही है और जो पेंशनरों की मांगे हैं उनको ये लग रहा है कि ये जायज नहीं है, या फिर सरकार को इन वृद्ध पेंशनरों में अपने वोट बैंक नजर नहीं आ रहे। जबकि पिछले महीने खुद श्रम मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो भी मांगे हैं उन पर कार्य चल रहा है और मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत के लिए अभी तक कोई भी राह नहीं खोली गई है। किसी भी तरह का न्योता राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व को नहीं पहुंचाया गया है कि आइए हम बात करते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आपकी मांगों को माना जाएगा और फिर कब तक वृद्ध पेंशनरों की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, इस बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया है। हालांकि ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जगह जगह सारे भारतवर्ष में जितने भी ईपीएफओ कार्यालय है वहां पर अपना ज्ञापन सौंपा है, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और पीएमओ तक अपनी आवाज पहुंचा दी है और अनशन का कार्यक्रम भी पहुंचा दिया। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी प्रस्ताव नहीं आया, तो इसका मतलब यही है कि सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही है और वृद्ध पेंशनरों को अपना वोट बैंक नहीं समझ रही है। हालांकि इस बार राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में आंदोलन की पूरी तैयारियां कर चुकी है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी मान नहीं ला जाए। ये देखना इस बार दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसमें पेंशनर भी खुश हो जाए और सरकार की जो नीति है वो भी रह जाए, या फिर सरकार किसी राजनीतिक हथकंडे के चलते इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, ये आने वाला महीना बहुत ही कड़वाहट का रहने वाला है दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और वर्ल्ड पेंशनरों की तरफ से भी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस आंदोलन को किस तरह से और मजबूत किया जा सके ये भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दिए ताकि ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी खबर है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।